ये मानवी के साथ लड़का कौन है? मैंने इसे कहां देखा है? अरे हाँ, माय गॉड, ये तो वही लड़का है जिसके साथ मानवी की शादी होने वाली थी। करेक्ट, मैंने तो इसे संगीत पर देखा था। ये यहां भी आ गया, वाओ। अब ये राहुल अपना आपा कभी भी खो सकता है, फिर मेरी तो बैंड ही बच जाएगी। इतनी चिंगारी बहुत है, अब मुझे निकलना चाहिए। मानवी, तुम अंकल आंटी की बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे भी शादी से पहले मैंने अंकल से वादा किया था कि अब से तुम्हारा परिवार मेरा परिवार, और अब वादा किया है तो मैं निभाऊंगा उसे। थैंक यू सुजॉय। अरे मानवी, ऐसे थैंक्स बोल के हमारी दोस्ती को छोटा मत बनाओ, बस तुम अपना ख्याल रखना, और जब भी कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं चलता हूँ। सुजॉय, तुम अभी तो आए हो, खाना तो खा के जाओ। मानवी नहीं, फिर कभी। वो क्या है ना कि यहाँ से मुझे आंटी से मिलने हॉस्पिटल जाना है, तो लेट हो जाएगा। निशा, वो लड़का कौन था जिससे मानवी बात कर रही थी? उसका भाई? कौन मॉम? वो फोटो वाला? हाँ। नहीं मॉम, अगर वो उसका भाई होता तो वो हमसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाती। वो तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। व्हाट? या मॉम, यही वो लड़का है जिसके साथ मानवी की सगाई हुई थी। आपको याद है हमारे संगीत के हॉल के बगल वाले हॉल में एक और एक फंक्शन चल रहा था, वहीं मैंने इसे देखा था। दैट्स हिम। अरे मॉम, आप खुद सोचिए ना, अपने शादी के बाद अपने ससुराल के सबसे पहले फंक्शन में कौन सी लड़की ऐसी हरकत करती है? उफ, आई तो फील, ये मानवी बहुत ही अजीब है, अनबिलीवेबल। ये सब देखते देखते ऐसा लगता है कि डैड जो भी कहते हैं इसके बारे में सब कुछ सच है। इस तरह आई डोंट थिंक आई कैन एक्सेप्ट हर एनी मोर, एंड यू आर राइट, मुझे लगता है ये अपना बदला ही लेने आई है। इस पार्टी में सुजॉय को क्यों बुलाया तुम? तुम्हारी वजह से मुझे जिंदगी में कभी किसी का प्यार नहीं मिल सकता राहुल, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपने परिवार अपने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ूंगी। ना तो वो फैमिली है, ना ही वो कोई दोस्त है, वो एक घटिया इंसान है। मेरा बस चले तो गोली मार दो उसे। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती तुम्हें? हाँ, घटिया। और वो जो तुमने किया है ना राहुल, तुम्हें कोई हक नहीं है किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाने का, और मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि मुझे हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं। वो तो मैं उन कैमरास के सामने कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन इस वक्त यहाँ पे कोई नहीं है। ना तो मुझे जरूरत है, और ना ही मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे किसी और को उसकी परमिशन के बिना हाथ लगाने में कोई मजा आता है। अगर तुम्हें मालूम होता कि किस सिचुएशन में या किस वजह से मैंने तुमसे शादी की है, तो मुझे गालियां नहीं जिंदगी भर थैंक यू बोलती तुम। आपको कैसे मालूम कि वो उसका एक्स? Which means तुम जानते हो? Oh, great! तो जानते हुए तुम चुप रहे, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें अपनी इज्जत, फैमिली की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है राहुल? उस लड़की के ऊपर क्या कमेंट करूं जो अपनी एंगेजमेंट और संगीत के बाद एक अमीर लड़के के पीछे अपने अपॉर्चुनिस्ट। बस मॉम, दैट्स इनफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो कोई लड़की नहीं है, उसका नाम है मानवी, मेरी पत्नी है फॉर गॉड्स सेक। और किसी को जाने बिना, पहचाने बिना उसके कैरेक्टर पर उंगली कैसे उठा सकते हैं आप मां? इज दिस रियली यू? एक मिनट, अवंती भी तो मेरी एक्स है, उसके साथ भी तो मेरी शादी होने वाली थी, संगीत हुआ था ना मेरा उसके साथ, तो फिर अगर हमारी फैमिली अफेयर्स का वो हिस्सा बन सकती है तो फिर मानवी का एक्स क्यों नहीं? हाँ, वेरी गुड। अब चाहे वो कुछ भी कर ले, तुम उसे ही सपोर्ट करोगे। मां मैं थक गया हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मानवी को गलत समझ रही हैं। बस बस, थैंक्स। मैं अपने बेटे से बात करने आई थी, मानवी के वकील से नहीं। जो मुझे रॉन्ग बोले, एक लड़की के लिए तुम इतना कैसे बदल गए हो राहुल, कि तुम्हें तुम्हारी मम्मी गलत दिखने लगी है। मेहमानों में खाने का वक्त हो गया, देखो उस लड़की ने खाना बनाया कि नहीं। हाँ, स्टाफ ने तो बोल दिया था कि खाना रेडी है, मैं बस देखती हूँ, सर्व करवाती हूँ। इतने बुखार और कमजोरी में भी बच्ची ने इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाया, नफरत ने सबकी आंखों में पट्टी बांध दी है, उसकी मेहनत किसी को दिखाई ही नहीं दे रही। सोनाली, मैंने तुमसे डिनर सर्व करवाने के लिए कहा था। वो नहीं हो पाएगा राज। नहीं हो पाएगा मतलब? आपकी बहू ने सबके लिए खिचड़ी बनाई है,
तुमसे मैंने मैक्सिकन या इटालियन तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लेकिन लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें इंडियन खाना तक नहीं सिखाया। नहीं डैडी जी, मुझे खाना बनाना आता है, और मुझे सिर्फ यही पता था कि खाना 20 लोगों के लिए बनाना, मुझे नहीं पता था कि 50 और लोगों के लिए खाना बनाना। टाइम नहीं था तो मैंने सोचा कि इतने कम वक्त में, like I said, मानवी, अगर हमें बताती थी तो हम कुछ मैनेज कर लेते अब तक। कुछ मैनेज नहीं कर पाती तुम, क्योंकि ये सब कुछ ही जानबूझकर कर रही है। अपने बाप के कहने पर इन दोनों बाप बेटी ने डिसाइड किया है कि ये मेरी इज्जत को उछालेंगे, लेकिन मैं इनकी ये चाल कामयाब होने नहीं दूंगा। अभी तो मैंने इसके साथ कुछ किया नहीं, तो ये हाल है इसका। सोचो जब इसके साथ कुछ करूंगी तो क्या हाल होगा। इसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दूंगी ना कि ये जागते सोते सिर्फ एक ही बात का सोच के पछताएगी, इसने राहुल से शादी क्यों की। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस लड़की को इतना सब सुनाने के बावजूद ये अब भी यही। इसकी जगह अगर मैं होती ना, मैं कब की चली जाती। निशा, क्या है ना, कुछ लोग तब तक नहीं निकलते जब तक उन्हें धक्के मार के बाहर ना फेंक दो। That's true.